नमस्ते फ्रेंड्स, होमलीनेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो अब तो आपको पता होगा कल का वीडियो देख करके कि मैंने क्यों वीडियो अपलोड नहीं किया था, और आज भी मैंने अपने आँखों को पूरे आधे दिन तक आराम दिया। शाम में हम लोग बाहर निकले थे सिटी सेंटर टू मॉल, क्योंकि लक्ष्मी को मुझे मॉल भी दिखाना था और कुछ खिलाना भी था, तो बस हम लोग मॉल आए। Told you. Yeah. That is why I was not bringing you to malls. You're making me. मेरे आँख को एक आँख बड़ा लग रहा है और एक आँख छोटा लग रहा है ना। तो पूरे दिन मैंने और लक्ष्मी ने सिर्फ और सिर्फ आराम किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। अभी हम लोग आए हैं पुचका खाने के लिए, बिकॉज लक्ष्मी के कोलकाता टू डू लिस्ट में ये एकदम नंबर वन पे था। एक तो विक्टोरिया था और सेकेंड ये था। तो अभी हम लोग जल्दी से पुचका खाएंगे, फिर देखते हैं। ये देखो पुचका आ गया। पति देव ऑफिस से आ चुके थे तो वो हमारे साथ गए थे और उन्होंने हमें ढेर सारा पुचका खिलाया। थैंक यू पति। I'm having my first Kolkata पुचका। Like that? Amazing it is. Wow. बैंगलोर से है ना, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मेट्रो सिटी, मैं उसे मॉल नहीं लेकर के आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर फुचका खिलाना है तो मुझे यहाँ लेकर के आना ही होगा। मैंने उसे क्लासिक ओल्ड फुचका तो खिलाया ही, साथ में मैंने पूरा का पूरा फुचका प्लैटर लाया। मैंने नहीं, पति देव ने हमें बहुत कुछ खिलाया। हमने ये सब खा करके फिर थोड़ा सा मॉल घूमा। मैंने सोचा अब आ गए हैं तो एक चक्कर लगा लेते हैं। मैं जब भी मॉल आती हूँ तो मैं मार्केट 99 ज़रूर से जाती हूँ, उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलता है कि बाज़ार में क्या कलेक्शन आया है क्या नहीं आया है। तो मार्केट 99 और होम सेंटर ऐसी दो चीज़ें हैं जो मैं इन जनरल मॉल जाने के बाद में मिस नहीं करती हूँ। और आज क्योंकि पूरे दिन से मैंने कुछ शूट नहीं किया था तो मुझे थोड़ी मेरे आँखों को आराम भी मिल रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मॉल में क्रेजी फॉर चॉकलेट का एक अलग सा स्टॉल है और मुझे क्रेजी फॉर चॉकलेट के पास से केक लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी प्लम केक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है तो मैंने वो लिया। साथ में मैंने लक्ष्मी को पूछा तो उसने बोला नो डियर आई एम फुल, तो उसने और कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे मार्केट 99 जाकर के एक बार चेक करना अच्छा लगता है। तो मैंने देखा ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे नई लगी, बाकी सब कुछ पुराने ही थे, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कैप्चर नहीं किया। इन सब का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा था, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। मॉल से हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद में हमने ढेर सारी बातें की, मतलब ढेर सारी लगते हैं एज इफ हमारी बातें तो खत्म होने से रही। बहुत सारी बातें करने के बाद में लक्ष्मी ने बोला वो डिनर बनाएगी। आज हमारे पास स्पेशल है ये मैगी, वो भी लक्ष्मी के हाथों की। मैंने भी बहुत दिनों तक चीट मील नहीं लिया था तो मैंने जम के एंजॉय किया है। टर्मरिक टेक दैट मसाला डब्बा, दैट विल बी इजीयर फॉर यू। वी जस्ट नीड टर्मरिक अमेरिकन सॉल्ट। सॉल्ट तो इट्स देयर, देयर इज अ स्पून, छोटा स्पून। ओ यू आर एडिंग इन कॉर्न। This also I will. Okay. I think because since you have put more water, I think this is sufficient. We need this box. Shall I use this? Ah, you can use this spoon. Little I had. This one is it boiled down? Ah, right. Boiled, it's done. This one boil is sufficient. Oh, okay. So this is already boiled one, is it? No, no, it's just frozen one. Frozen one, then yeah. Let's buy, keep it for another. This also let's keep boiled because you're not going to boil this again. No? Hmm. After that we will add what oil. Hmm. Give me onion, chili. Okay. So I'm making healthy Maggi. Healthy Maggi. Healthy Maggi, yeah. Okay. Dry Maggi. You make white sauce pasta. Oh God. Yes. Nobody makes white sauce pasta like Lakshmi does. Yes, that I'll be making it tomorrow. I won't let you go until unless you don't make white sauce pasta. Maggi and all is complimentary. White sauce pasta is mandatory. This is actually very healthy because we are using paneer and corn. See, I told my subscribers that by tomorrow we'll make Lakshmi camera friendly. So now you're camera friendly for us. You're talking to us means you're camera friendly. Yes. Pink. Hmm. I think
अच्छा आई टेल यू यू डू वन थिंग यू पुट दैट इज वेल डोंट स्टर इट मच बिकॉज इट्स टू सॉफ्ट नो गिव मी द कॉर्न नो वेट कॉर्न कॉर्न इज हियर Wow, it's looking so yummy already. It's a little turmeric, so it gives a very good color. Okay, you want to add turmeric? Little turmeric. Wait, wait, I'll give you the masala box. Healthy spoon, mini spoon. Should I keep it now? Yeah, I need masala. Which all masala you need? Okay. This so, garam masala. Uh-huh. Little bit hard. Okay, okay. No problem. Hmm. Just leave it for like. One minute. Okay. Shivani, can you give me corn? Let's add corn. Yes, corn. There it is. We have little salt because the spoon. Okay, this we are adding. Salt is already there in this masala. If you add one more, Give me Maggi masala. Should be sufficient once we put it in oil. Oil, yeah. I'll put down the camera. I think you'll need help. You need help? So, yeah. I think we have to do it. Wait, wait, I'll put it down. Just for the last move to do. Mixing part. Mixing part. Okay. See, Vinod, we are missing you. I mean, I was missing you because you were not here, but Lakshmi is missing you. Shivani, for you, dry Maggi is ready. Thank you, Lakshmi. Taste and let me know how is it. I know it will taste heavenly. I'm 100% sure. I've been drooling since the entire step. This is a bar food that I make very often. It is healthy also. Huh? So, you will add corn. If you want, you can add veggies also. Okay. This is really healthy. Okay. Chalo, we'll take it. We'll eat now. I cannot wait even for a single moment. मैं सच कह रही हूँ, ये मैगी बहुत ही यम थी, तो मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करना। उसके बाद में मैगी खाकर हम लोग बहुत देर रात को, देख रहे हो ना, 12:04 पे हम लोग बाहर निकले और हम लोग गए थे पूरा का पूरा कोलकाता घूमने, हावड़ा ब्रिज देखने और भी बहुत कुछ देखा। तो ये अब आगे से मैं चुप रहूँगी और आपको पहले पूरा का पूरा शहर घुमाने वाली हूँ मैं। यहाँ कोलकाता में लाइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और न्यू ईयर और क्रिसमस ईव पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से सजा करके रखा था। मैंने सारी चीज़ों को काफ़ी प्यार से खुशी खुशी आपके लिए कैप्चर किया है, तो आप ज़रूर से इसको स्किप मत कीजिएगा। एंड में तो कुछ है लेकिन अभी तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही सुंदर से ये लेक टाउन एरिया, क्लॉक टावर, सब कुछ को बहुत सुंदर से सजाया गया है। Keep going.
हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन ये हावड़ा ब्रिज था, और हावड़ा ब्रिज पहुँचने तक लक्ष्मी और पतिदेव दोनों को ही काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि हमने पूरा शहर घूम लिया था। तो हम लोग एक छोटे से टफरी पे रुके और इंजॉय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मेहनत और व्लॉग दोनों पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी, तब तक से अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।